तो आज के पाठ में ये बात आई कि प्रभुपाद कहते हैं कि जो पढ़ने वाले जो किताब पढ़ेंगे, जो लोग किताब पढ़ेंगे, और उसमें से 1% भक्त बन सकते हैं। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि बहुत लोगों को हम पुस्तक देते हैं तो वो किताब जो है वो पढ़ते ही नहीं है, और जो बुक सेट है वो बंधा का बंधा रहता है उनके घर में, वो उसका रस्सी भी नहीं खोलते हैं, किताबों की जो सेट है वो देते हैं या भागवतम सेट देते हैं तो ज्यों का त्यों पैक करके रखा हुआ है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो किताब ही नहीं पढ़ते हैं, किताब रखी रहती है उनके घर में। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो पढ़ने वाले हैं उनमें भी कितने कम लोग होंगे जो पढ़ेंगे, उनमें भी जो है 1% भक्त बन सकते हैं। लेकिन जो 1% जो भक्त बन गए वो तो बड़ी बात है कि भक्त बन गए, लेकिन जिन्होंने पढ़ी और भक्त नहीं बने तो भी मत सोचिए कि उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर वो पढ़ते भी हैं तो उनके जो है क्या है कि दिशा एक बन जाती है, उस दिशा में वो चलेंगे, और चाहे अगले जीवन में बने भक्त, लेकिन दिशा उनकी जो है जो बन जाती है भी बहुत बड़ी रक्षा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं, किताब ही रखी रहती है तो भी किताब जो है उनके घर को पवित्र करेगी, क्योंकि सब तीर्थ उस पुस्तक में हैं। जितने भी तीर्थ हैं आप जो है वो पुस्तक में हैं। गीताया पुस्तकम यत्र यत्र पाठा प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयाग आदीनि तत्र वे। तो प्रयाग आदि जितने भी तीर्थ हैं वो सब उनके घर में आ गए, उनका तीर्थ स्नान होता है पुस्तक को देखने मात्र से, सब तीर्थों में स्नान होता है, तो वो भी पवित्र हो रहे हैं। जो किताब छू लेते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि उनकी भी जो है निश्चितता हो जाती है कि अगला मनुष्य जीवन मिलेगा। ये भी बहुत बड़ी रक्षा है कि अगला मनुष्य जीवन मिले, ये बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप किताब दे रहे हैं, तो ये भी मत सोचिए कि नहीं नहीं हम नहीं देंगे वो नहीं पढ़ेगा। तो जो पढ़े या ना पढ़े आप उनके जो है घर में पहुंचाइए पुस्तकें, क्योंकि ये पुस्तकें हर प्रकार से रक्षा करती हैं। तो ये इन पुस्तकों की जो है बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आप जो है घर घर में पहुंचाइए इन पुस्तकों को, और इन पुस्तकों के दर्शन से स्पर्श से भी लोग जो है पवित्र होते हैं। और फिर जो नहीं पढ़ता है तो कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा, तो भगवान जो इसके घर में किसी आत्मा को भेजेंगे उसका जन्म होगा। तो पवित्र घर में जन्म भगवान कहते हैं सुचि नाम श्रीमताम ये योग भ्रष्टो भी जायते। तो पवित्र घर में योग भ्रष्ट है, जिसने पहले भक्ति की और सफलता नहीं मिली भक्ति में, तो वो जो है आएगा किस घर में आएगा, जिस घर में प्रभुपाद की पुस्तक है, क्योंकि वो पवित्र घर है। तो इस प्रकार से जो है हम नहीं जानते हैं कि कितने लोग पढ़ेंगे। जिसको आपने दी, अगर मान लीजिए आपने फ्री में भी दी किताब, तो वो महत्व नहीं समझेगा। आपने निःशुल्क दे दी किताब, लेकिन लोग बंटवाते हैं और स्पॉन्सर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो फ्री में ना बांटे, नहीं, फ्री में भी बांटते। अगर वो व्यक्ति जिसको फ्री में किताब मिली है अगर वो इसका महत्व नहीं समझता है, तो दूसरा व्यक्ति जो है जिसको मिलेगी वो किताब, या कोई उसके घर में आएगा रखी है वो पढ़ेगा, तो उसको फ़ायदा होगा। जैसे प्रभु जी ने बताया कि एक सज्जन वृंदावन से लाए थे बैक टू गॉड पत्रिका या भगवत दर्शन पत्रिका, तो दूसरे व्यक्ति गए उनके घर में और उन्होंने उस पत्रिका में जो है पंजाबी भग मंदिर का फ़ोन नंबर देखा, ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर का फ़ोन नंबर देखा। तो इस तरह से भी होता है कि आप किसी को पुस्तक देते हैं वो अगर ना पढ़े तो दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा, उसके घर में आएगा, उसके घर में आकर के वो किताब पढ़ेगा, तो इसका जो है बहुत बड़ा लाभ है ना। तो फिर प्रभुपाद तो मतलब ऐसे गुरु हैं जो कि संसार दावानल लेढ़ लोगा, संसार दावानल में जल रहा है, संसार रूपी जंगल की आग में लोग जल रहे हैं, और उनकी रक्षा करने के लिए प्रभुपाद गए। तो प्रभुपाद की तो ऐसी चेतना है कि पुस्तक वितरण करने से लोग भक्त बने और पूरी दुनिया जो है कृष्ण भावना भावित हो। लेकिन जब हम लोग पुस्तक वितरण करते हैं तो हमारी चेतना नहीं होती, हमारी ऐसी चेतना नहीं होती जैसी प्रभुपाद की चेतना है। तो हमारी चेतना क्या होती है, गुरु की आज्ञा, प्रभुपाद की आज्ञा, है ना। तो इस प्रकार से जो है हम लोग
पुस्तक वितरण करते हैं। और फिर जहाँ टॉप करने वाली बात आती है तो फिर चलो टॉप करने के लिए हम पुस्तक वितरण, तो ये भी अच्छा है। आप नहीं सोचते कोई भक्त बनेगा आप जो है पुस्तक वितरण करते हैं, लेकिन आपका स्कोर सबसे ज़्यादा आए इस भावना से भी आप करते हैं पुस्तक वितरण, तो भी जो है इसमें बड़ी रक्षा है। इसलिए प्रभुपाद के समय में, प्रभुपाद के समय में जो भक्त लोग थे अलग अलग मंदिरों का स्कोर है ना, तो वो रामेश्वर प्रभु जो है वो एक पत्रिका छापते थे, न्यूज़लेटर छापते थे, और न्यूज़लेटर सब मंदिरों में जाती थी। तो जितने भी मंदिर थे अमेरिका के उन सब का जो है महीने का जो है वो आता था, उसमें स्कोर आता था। हाँ, तो इस तरह से जो है इस भावना से भी अगर आप कर रहे हैं है ना, तो भी जो है इसमें बहुत बड़ा लाभ है ना। तो प्रभुपाद को कौन प्रसन्न करने है? लेकिन इस भावना में इस तरह की भावना नहीं होना चाहिए कि किसी की टांग खींची जाए, भाई हमारे मंदिर का स्कोर ज़्यादा हो, ठीक है। हाँ, तो इसमें आध्यात्मिक स्पर्धा का मतलब ये होता है कि हम अगर आगे बढ़ते हैं तो भी खुशी की बात है, दूसरा मंदिर अगर हमसे आगे बढ़ता है तो भी खुशी की बात है, क्योंकि आखिरकार तो प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए हो रहा है कार्य। तो प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए पूरी दुनिया में पुस्तकें जितनी अधिक से अधिक बटें तो अच्छी बात है। अब हम लोग यही सोचते हैं प्रभुपाद की प्रसन्नता, हम लोग नहीं सोचते कि लोग भक्त बनेंगे, लोग नहीं भक्त बनेंगे, हम पुस्तकों का वितरण करें, प्रभुपाद चाहते हैं तो प्रभुपाद चाहते हैं, तो इस तरह से भी हमारा जो है मतलब चेतना सही है। हम लोग नहीं सोच सकते कि भाई लोग संसार में जो है जल रहे हैं, दावानल में जल रहे हैं, जन्म मरण की चक्र में फंसे हुए हैं, हम इनको निकाल रहे हैं, हम लोग इतना नहीं सोच पाते हैं। हम लोग नहीं सोच पाते हैं तो अभी बहुत बड़ी बात है ना। तो प्रभुपाद की पुस्तकों में क्या है, कृष्ण तत्व का वर्णन है, जो कि भगवान कहते हैं गीता में, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्ध ये यतताम अभिसिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वता। तो कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने प्रयास करता है तो हजारों में कोई एक होता है, और जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं उनमें भी कोई कोई तत्व से कृष्ण को जानता है। तो वो कृष्ण का जो तत्व है ये प्रभुपाद हर पुस्तक में देते हैं। तो प्रभुपाद की पुस्तक इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि कलयुग में समय ज़्यादा नहीं है कि कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़े और फिर जो है उसका निष्कर्ष निकाले। तो पूरा निष्कर्ष शास्त्रों का कि कृष्ण का तत्व प्रभुपाद ने जो है अपनी पुस्तकों में दे दिया, तो सीधे आप जो है कृष्ण तत्व को आप प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं पाँच शब्दों में कृष्ण का तत्व है, वो क्या है, कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, पांच शब्दों में कृष्ण का तत्व। प्रभुपाद जो हर पुस्तक में कृष्ण का तत्व बदलाते हैं। तो चूंकि समय बहुत कम है तो एक पेज पढ़ करके भी जो है उसको समय अगर आ जाए कि कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, श्री कृष्ण ही सर्वोच्च नियंता हैं, तो इतने से जो है उसने क्या प्राप्त कर लिया, कृष्ण का तत्व, जो कि करोड़ों करोड़ों लोगों में कोई व्यक्ति जो है जान पाता है कृष्ण का तत्व। तो बहुत इसमें तपस्या लगेगी, कितना साल लगेंगे या कई जन्म लगेंगे, प्रभुपाद जो है हमको वो कृष्ण का तत्व देते हैं, तो एकदम शॉर्टकट ये जो है हमको प्राप्त होता है ये ज्ञान। इसलिए आप पुस्तकों का वितरण करिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की।